जिस किसी भी पाइनियर्स के पास 100-200 पाई के कॉइन्स हैं उन सभी की लाइफ 2023 के अंदर बदलने वाली है। हाँ दोस्तों, आप सबने सही सुना, इस वाली स्टेटमेंट को विथ प्रूफ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ और उसके साथ पाई नेटवर्क का जो प्राइस है वो कितना आप सभी को देखने को मिलेगा आफ्टर द ओपन मैनेट, क्योंकि सारी चीज़ें इसी चीज़ पर डिपेंड करती है। और KYC को लेकर अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में भी आप सभी को जानकारी मिलेगी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएंगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गाइस अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि KYC को लेके आ चुका है। यहाँ पे जो पाई नेटवर्क के फाउंडर हैं वो इस चीज़ के बारे में क्या बोलते हैं। डॉक्टर चांडायो फैन रिवील्स द रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटिंग मास KYC। अभी हाल फिलहाल के अंदर मास KYC को अनेबल करने की बात की जा रही है। यहाँ पे हर कंट्री की जो KYC है उसकी डिफरेंट स्पीड है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो पाइनियर्स हैं उनकी जो गिनती है वो भी अलग अलग है। तो बताया जा रहा है द पाइको टीम कॉन्टिन्यू टू इंट्रोड्यूस अ न्यू अपडेट टू फैसिलिटेट द KYC प्रोसेस फॉर पाइनियर्स बाय अलाउइंग पाइनियर्स Delsem to remind their verification to review their KYC profile। अभी पाइको टीम क्या कर रहा है, एक नया अपडेट कर रहा है जिसके थ्रू आप सभी की जो KYC है वो थोड़ी फास्ट होती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट सही तरीके से फिल करे हैं या आप सही तरीके से प्रोसेस को करते हो तो जो आपके अकाउंट हैं, अगर आपने बाय द वे कोई गलती करी है, कोई नेम लिखने में गलती करी है या डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई मिस्टेक हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में भी आपके अकाउंट को रिव्यू किया जाएगा और आप सभी को जल्दी से फीडबैक दे दिया जाएगा कि हाँ यहाँ पे गलती है तो आप जाके इसको चेंज कर सकते हो। क्योंकि मैक्सिमम अभी क्या चल रहा है, जितने भी पाइनियर्स हैं, पुराने पाइनियर्स जिन्होंने ऐसे ही KYC को फिल कर दिया था, तो उस टाइम पे उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी और पाइको टीम की जो KYC थी वो इतनी स्ट्रिक्ट भी नहीं थी। बट जिस तरीके से पाई नेटवर्क के अंदर पाइनियर्स डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन पर बर्डन भी हो जा रहा है कि हम इतने सारी चीज़ों को वेरीफाई करना तो है बट जो रियल अकाउंट्स हैं उनको फेक अकाउंट से कैसे देखा जाए कि कौन सा फेक है कौन सा रियल है। इस वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, क्योंकि जो स्कैमर्स लोग हैं वो भी रियल अकाउंट्स ही पोस्ट कर रहे हैं बट वो फेक लोगों के हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है दिस अलायंस विद रीसेंट डेवलपमेंट्स विद इन द पाई नेटवर्क प्रायोरिटाइजिंग द रिवोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू विच इज़ KYC, जो कि आप सभी को पता है। स्पीकिंग अबाउट द करेंट स्टेटस ऑफ KYC, डॉक्टर चांडायो फैन को फाउंडर ऑफ पाई स्टेटेड This is not only something we do for the network, but also to comply with legal principles and regulations. जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, यहाँ पे legal principle और regulations की बात की जा रही है, क्योंकि 10 accounts मान लो verify करने के लिए आते हैं तो उसमें से 6 to 7 account ऐसे होते हैं जो scammers के होते हैं। और आप सभी को पता है कि अलग अलग जो countries होती हैं, जो hackers होते हैं, जो scammers होते हैं, वो इन सभी लोगों के डेटा को लेते हैं। आप सभी देखते हो ना कि आपके कोई ना कोई नंबर लीक हो जाता है या आपको कहीं से कॉल आती है कि हाँ आपको क्या लोन लेना है, आपको क्या ये करना है वो करना है, तो आप सोचते होगे कि यार मैंने तो कहीं पे नंबर शेयर नहीं किया फिर भी ये मेरे को कॉल कैसे कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है क्योंकि आपका डेटा लीक हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी फालतू वेबसाइट पर जाके, किसी भी फालतू एप्लीकेशन पर जाके हम अपने नंबर को वहाँ पर शेयर कर देते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ें मिल रही होती है। अगर कोई फालतू की एप्लीकेशंस होती है, अर्निंग एप्लीकेशंस, आप सोचते हो कि यार यहाँ पे साइन अप करने पे इतना रुपए मिल रहा है, यहाँ पे साइन अप करने पे इतना मिल रहा है, तो हम क्यों ना नंबर देके क्या दिक्कत आएगी। और कुछ कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जो आपसे बोलता है कि आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड पोस्ट करो या आप अपना पैन कार्ड पोस्ट करो, तो आप सभी पोस्ट कर देते हो और आपको वहाँ पे 100-200 रुपये मिल जाते हैं। तो आप सोचते हो यार सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड ये तो पोस्ट करना है, 100-200 रुपये मिलते रहे और वो आपके अकाउंट में विड्रॉल भी हो जाते हैं। बट जो आपने डेटा वहाँ पे पोस्ट किया है और आपको नहीं पता कि आपका एक डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, और ऐसे करते करते मिलियंस ऑफ लोगों के जो डेटा होते हैं उसको बेचा जाता है। हाँ दोस्तों, बेचा जाता है। इसी वजह से जो स्कैमर्स वगैरह होते हैं ना, वो यही डेटा खरीदते हैं और इन्हीं डेटा को अलग अलग जगह पे वेरीफाई करते हैं, क्योंकि ये इनका काम ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए रूल्स रेगुलेशंस की चीज़ें आती हैं और आप सबको भी ये चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं पर भी अपनी चीज़ें बिल्कुल भी शेयर ना करें, ठीक है। इफ़ मास KYC इज़ कम्प्लीट, इट्स ट्रू
अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी वन इंक्लूडिंग दोज पायनियर्स ग्लोबली। और जैसे ही मास केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी तो सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ आपको ओपन मैनेज के बाद देखने को मिलेगी वो इजिली आप सभी के लिए एसेसिबल हो जाएगी। एज दिस इंडस्ट्री बिकम्स इंक्रीजिंग रेगुलेटेड हैविंग अ सफिशियंट लार्ज केवाईसी सोशल नेटवर्क एनेबल्स द वर्ल्ड टू ईजी कनेक्ट अ टूल। तो यहाँ पर ईजिली सब कनेक्ट हो सकते हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ है वेब थ्री सर्विस और फाइनेंशियल सर्विसेज इन द फ्यूचर, जिस वजह से पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, वो यही सब चीज़ें हैं। और जैसे ही ये सारी क्रिटिकल चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद आप सभी को पाई नेटवर्क का ऑफिशियल ओपन मैनेज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी मान के चलो ये चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। 52 मिलियन के आसपास पाइनियर्स हैं और ये एक ही बार में सभी को वेरीफाई कर देते हैं ना, एक बार में मान के चलो जितने भी अकाउंट आ रहे हैं सभी को एक टिक करके वेरीफाई कर देते हैं, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखा है इन्होंने खोला भी नहीं है और ऐसे वेरीफाई कर देते हैं। तो उस सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होगी कि जो रेशियो निकल के आएगा ना उसमें ये होगा कि जो पाइनियर्स फेक है ना, मतलब जो स्कैमर्स के अकाउंट है वो ज़्यादा होंगे, तो इनका एक्चुअल जो वैल्यू भी आएगा ना वो भी कोई कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अगर आपने सही तरीके से माइन किया है तो आपने 400, 500, 1-2 हज़ार ही पाई कॉइंस माइन किए होंगे, ठीक है। बट जो स्कैमर्स होंगे ना उनके एक अकाउंट में इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलीगल तरीके से माइन वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो बैठे पड़े इसी सब चीज़ों को लेके, ठीक है। और कोई भी चीज़ आज की डेट में आप सभी को बता दूँ, कोई भी चीज़ आती है वो ईजिली हैक हो जाती है, कोई भी चीज़ हैक हो जाती है। अभी आप देखते हो ट्विटर के जो CEO हैं उनके अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, इलॉन मस्क के अकाउंट हैक हो जाते हैं, और अपने मोदी सर हैं उनके भी अकाउंट हैक हो जाते हैं, और ये सब बिटकॉइंस वगैरह वहाँ पे पेमेंट के लिए पोस्ट कर देते हैं। तो हैकर इस लेवल तक है, नासा को हैक कर चुके हैं, आपको तो सब चीज़ें पता ही है। तो इसीलिए मतलब जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी उतने मतलब कि उसके जो डिसएडवांटेज वाले काम है वो भी बढ़ेंगे, तो आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। इसी वजह से KYC के लिए पाई नेटवर्क इतना ज़्यादा फोर्स करता है या इतना ज़्यादा टाइम लेता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पाई नेटवर्क के प्राइस के बारे में कि आफ्टर द ओपन मैनेज लॉन्चिंग आप सभी को क्या प्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। अभी जैसा कि आप सभी को पता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आप जाके देखोगे तो पाई नेटवर्क के जो प्राइजेस हैं $24-25 के आसपास आप सभी को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हम बाइनेंस की बात करें, कॉइन मार्ट कैप की बात करें, डिफरेंट एक्सचेंजेस की बात करें, हर जगह पे आपको इसके आसपास ही देखने को मिलता है। तो आप सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या प्राइस इसके आसपास हमें देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा देखने को मिलेगा, इससे कम देखने को मिलेगा, क्या कैसे हो सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है आपके माइंड में ये भी चल रहा है कि 52 मिलियन के आसपास इसके एक्टिव पाइनियर्स हो चुके हैं और डे बाय डे ये बढ़ते भी जा रहे हैं, तो उस हिसाब से लोग माइन भी इसको ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोगों के पास कॉइन्स भी ज़्यादा होंगे, तो यार सबको ये एक बहुत अच्छी वैल्यूज़ देने लग जाए, मान के चलो $50, $100 या उससे ऊपर देने लग जाए। तो यहाँ पे हर चीज़ को देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये सबको देना पड़ेगा, इतना वैल्यू देना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो इसकी मार्केट कैप है, ये जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नई नई क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर आती हैं उनके हम प्राइजेस की बात करें तो कोई $100, कोई $150, कोई $500 इतने प्राइस के होते हैं, और जब हम उसकी मार्केट कैप चेक करते हैं या वॉल्यूम हम देखते हैं तो वॉल्यूम तो उतना होता नहीं है, मतलब कि वो 100% बेसिकली फेक होती हैं, क्योंकि इनकी एक प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं कैपिटल इनटू के जो होती है मार्केट कैप करके होता है, उसके बिहाफ पे एक एग्जैक्ट अमाउंट आता है और ये सब बर्निंग पे डिपेंड करता है। जैसे कि शिबा इनू के हम प्राइस की बात करें तो बोलते हैं ना कि ₹1 कब पहुंचेगा, तो इतनी बर्निंग होगी, इतने जीरो किल होंगे, तब जाके वो उतना प्राइस पहुंच पाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं, जिस वजह से आप बिटकॉइन को भी देखोगे तो जितना उसका प्राइस है उस हिसाब से उसका मार्केट कैप या वॉल्यूम है, और ये एक दिन के अंदर नहीं होता, इसमें धीरे धीरे करके चीज़ें होती हैं। पहले हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में क्या था, जब स्टार्टिंग में वो आया था तो ये मतलब 22-23 लाख के आसपास था, उस टाइम इसकी कोई डिमांड नहीं थी, बट जिस तरीके से डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के बारे में लोगों को पता चला और डार्क वेब तो पहले से ही आ चुका था और ये धीरे धीरे करके पॉपुलर होना शुरू हो गया, क्योंकि डार्क वेब के अंदर जो पेमेंट्स होती हैं वो बिटकॉइन इथेरियम में होने लग गई थी, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आई थी, बट सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएशन थी ना वो बिटकॉइन थी, इसीलिए ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है वो बिटकॉइन के अंदर होती है, क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन है बहुत बड़ा है, ठीक है। ऑल ओवर क्रिप्टो करेंसी में आप जाके देखोगे नंबर वन पे वो है, सेकंड नंबर पे है इथेरियम, ठीक है। और जिस तरीके से उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई तो धीरे धीरे करके लोगों ने उसको बाय करना शुरू करा और लोगों को पता चला इसकी और डिमांड है, ये उन सभी के लिए बहुत पॉपुलर हुई जो लोग बिलीनियर्स हैं, क्योंकि वो जो बिलीनियर्स लोग होते हैं ना वो डार्क वेब पे बहुत इलीगल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, और जब आप ट्रांजेक्शन इसके थ्रू कर रहे होते हो तो किसी को भी पता नहीं चलता कि ट्रांजेक्शन कहाँ से, किस कंट्री से, किसने की है, तो आप सेफली सारी ट्रांजेक्शन करते हो और जो भी आपको एंटरटेनमेंट करना होता है ना वो सारा एंटरटेनमेंट आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो
थोड़ी एक टाइम के बाद, मतलब कि 8 से 10 साल के बाद बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा। और बात की जाए पाई नेटवर्क की, तो पाई नेटवर्क के पास इतने सारे कॉइन्स होंगे तो एकदम से इसका प्राइस बढ़ना तो बिल्कुल पॉसिबल है नहीं, कंफर्म पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे करके $3-4 से स्टार्ट करेगा, फिर 20-30-40-50 ऐसे करके डॉलर्स जाएगा। और जब मार्केट के अंदर एकदम से इसकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी, वो डिमांड तभी बढ़ेगी जब ये कॉम्पिटिशन में आएगा। और ये ऑब्वियसली सी बात है कॉम्पिटिशन में आएगा, क्योंकि ये एक चीज़ पर काम नहीं कर रहा है, डिफरेंट चीज़ों पर काम कर रहा है जो आने वाले टाइम के अंदर एक तेज़ी से बूम लाएगा। ठीक है, जिस तरीके से बिटकॉइन के बारे में 2021 में पता चला कि यार 21 में पता लगा लोगों को कि एक बिटकॉइन का प्राइस 55 लाख रुपए है, तो यार लोगों ने, इंडिया के लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर, क्योंकि उनको प्रूफ मिल चुका था और बहुत सारे लोगों ने अपनी रिसर्च ही इसी चीज़ पर शुरू कर दी। और आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी पाई नेटवर्क की, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कोई भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में, इंडिया की बात करें या डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, तो जितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता क्रिप्टो करेंसी के अलावा NFT, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, डाओ, गेमिंग, इनके बारे में पता ही नहीं है जो कि आने वाला फ्यूचर है। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो पाई नेटवर्क के जो प्राइस को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था, जिसके पास भी 100-200 पाई के कॉइन्स होंगे, या जितना जिसके पास हो सकता है उतने पाई के कॉइन्स होंगे, उतना उसका वैल्यूएशन बढ़ेगा और उतना वो फ्यूचर में मिलियनेयर बन सकता है। तो उसी चीज़ पे लेके ये आर्टिकल भी आ चुका है। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स की बात की जा रही है। जो सबसे पहला है अर्ली एडॉप्शन एडवांटेज, जो कि आप सभी को पता है, मतलब जो आने वाले टाइम में चीज़ है, जो आने वाले 4-5 साल बाद आएगा, उसको आप पहले ही सीख लोगे या उसके बारे में आप पहले से ही इन्वेस्टमेंट कर लोगे, नॉलेज ले लोगे, तो आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उस टाइम तक आपको वो सारी चीज़ें पता होंगी। और जो दूसरी चीज़ है यूज़र ड्रिवन नेटवर्क ग्रोथ, तो यहाँ पे ऑनरशिप की बात की जाती है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप सभी को, जो फ्यूचर में चीज़ें होने वाली है वो आपको पहले से ही इंडिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपको पता होता 2010-11 के आसपास कि यार बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होती, तो आज की डेट में आपको कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पुश्तों को भी कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को भी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट उस टाइम पर किसी के पास नॉलेज नहीं थी, ये सीधी सीधी बात बताएं तो ये किस्मत थी। ठीक है, किस्मत थी कि जिसने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था, जिसने बिटकॉइन को बाय किया था सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, कि यार ये नहीं, ये चीज़ नहीं आ रखी है, इसको बाय कर लेते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो होगा, और वो इतना कुछ ना कुछ आगे निकल गया कि यार लोगों का फ्यूचर ही पूरा चेंज हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। और तीसरी चीज़ है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डिसरप्शंस, यही सबसे बड़ी चीज़ है। जिस तरीके से अभी ChatGPT AI बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर Web 3.0 भी आएगा, जो कि एडवांस एप्लीकेशंस होने वाली है। अभी जो आप YouTube, Twitter या जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, ये Web 2 के अंदर यूज़ होती हैं, और ये अभी के लिए बहुत सफिशियंट है, बट आने वाले टाइम के अंदर इसका एडवांस वर्जन सबको चाहिए। क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो Web 1 पे शुरू हुआ था, या आप इंटरनेट की भी बात करो तो अभी 5G इंडिया के अंदर स्टार्ट हो चुका है, बट कुछ सालों के बाद ये 6G स्टार्ट होगा, 7G स्टार्ट होगा, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर 7G 8G ये सब आ चुका है। क्योंकि ग्रोथ ज़रूरी है, और ग्रोथ होगा तो उसके जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको पहले से ही रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, तो आपकी जॉब्स तो इजीली छीन रही है, आपको खुद को पता है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जो टेक्निकल फील्ड में काम करते हैं, उनकी जॉब्स वगैरह छूट रही हैं, क्योंकि जो आप काम कर सकते हो वो आपसे बेहतर कोई AI सिस्टम, कोई मशीन कर रहा है, तो लोग क्यों रखेंगे। और बिज़नेस का पहला मोटिव होता है कि अपना प्रॉफिट देखना, तो सब कोई प्रॉफिट देखेगा ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि यार सामने वाला जो एम्प्लॉई है 15 साल से काम हमारे साथ रहा है, इसको हम निकाले क्यों, इसकी फैमिली फिर कैसे सर्वाइव करेगी, ये कैसे सर्वाइव करेगा, इतना कोई नहीं सोचता। और ये तो आप मुझसे बेहतर ही जानते, जो कंपनी के फाउंडर्स हैं उनको 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको निकाल दे, क्योंकि यार वो आप 15 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हो, 1 साल से काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोविड में आप सबने सब कुछ देखा था, और उसी वजह से जो टेक्नोलॉजीज हैं वो बूम करी है। और आने वाले टाइम के अंदर, जब अभी इतना सारा हो रहा है, तो आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ें और बढ़ेंगी, क्योंकि आपको खुद को पता है यार कि आजकल क्या है ना, कि आजकल पहले आपको अच्छी सैलरीज मिला करती थी, बट अब धीरे धीरे करके सैलरीज को रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, क्योंकि आपसे जितना मतलब पैसा देके वो काम करा रही है, उतना पैसा देके उससे 2-3 एम्प्लॉइज इजीली रख सकती है। जैसे कि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, और वही जो आप काम कर रहे हो वो 20,000 में जब कोई कर रहा है, तो वो आपकी सैलरी इजीली कट करेगी, आपको भी फायर करने का ऑप्शन ढूंढती रहती है कंपनीज, और ये प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप सभी को पता है। तो इसीलिए आजकल लोग बोलते हैं कि अपने स्किल्स पे काम करो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है आपकी अपनी इनकम बढ़ाने का, क्योंकि आपकी स्किल्स को कोई नहीं छीन सकता। अगर आपके पास स्किल्स होंगी तो आप बहुत पैसा बना सकते हो। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें थी। और ये सारे जो अलग अलग जो फैक्टर्स मैंने आप सभी को बताए प्राइजेस को लेके और जो अभी बताए, ये सारे जो तरीके हैं ये सब मिलके आप सभी को एक अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है पाई नेटवर्क। या आपको लगता है कि इससे बेटर कोई क्रिप्टो करेंसी है तो आप उस पर शिफ्ट हो जाओ, या आप बेसिकली NFT ब्लॉकचेन इन सभी चीज़ों की नॉलेज लो, तभी आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। सो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना। आज के लिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।